गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जी के कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? चलिए प्रारंभ करते हैं, देखिए आज की इस क्लास को। और देखिए अभी पिछले एक दो दिन से हमने ना वो आज के सवाल कार्यक्रम में क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दो क्लासों के बाद से उसको कंटिन्यू शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, बेहतर हो ना? स्टडी बढ़िया चल रही है आप सभी की? चलिए सभी लोग आकर के जुड़ जाइए और इसके बाद में प्रारंभ करते हैं आप आज की क्लास, ठीक है। और आज की क्लास में देखेंगे, सबसे पहले पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 24। यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण से जो संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों, वो है आपके संविधान का अनुच्छेद 29। संविधान के अल्पसंख्यकों के हितों से अगर कोई संरक्षण से संबंधित है तो वो है आपका संविधान का अनुच्छेद 29। भारत के संविधान का देखिए जो अनुच्छेद 29 है, ये बताता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का मतलब कि आपके का एक महत्व तो क्या है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उनके हितों को ध्यान में रख करके जो भी होता है, ठीक है। ये सारा प्रावधान प्यारे अभ्यर्थियों आपको अनुच्छेद 29 के तहत बताया गया है, क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कितनी कम है। 3 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, 10 लाख से कम है। MTS 2021 में पूछा गया, ठीक है, कि जो EWS कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है, उनको 10% आरक्षण मिलेगा। ऐसे स्थिति में उनकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए प्यारे अभ्यर्थियों? 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका 8 लाख। यानी कि यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन सही होगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए संसद ने 2019 में संसद ने क्या किया है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, आगे कोई दिक्कत नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आवाज़ को लेकर के इश्यू थी। तो चलिए देखिए बात करें अगर हम तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत जो केंद्र सरकार की नौकरियों में जो 10% का आरक्षण मिला प्यारे अभ्यर्थियों, तो बात किया गया कि उनकी जो आय है पारिवारिक आय प्यारे अभ्यर्थियों 8 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पर मतलब कि अगर बात करें तो आपका जो संसद ने जो 2019 में 103वां संशोधन किया प्यारे अभ्यर्थियों, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 का 6वां हिस्सा तथा अनुच्छेद 16 का 6वां हिस्सा इन दोनों को शामिल किया, और इसके अंतर्गत ही राज्य को सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में EWS के पदों और सीटों को 10% आरक्षित करने का अधिकार दिया प्यारे अभ्यर्थियों। और यहाँ पर यह बताया गया कि EWS कैटेगरी के जो लोग हैं इनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। और संसद ने 2019 में जो 103वां संशोधन किया इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को शामिल किया गया, और इसके अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिए कहा गया कि इनके पदों और सीटों पर 10% की क्या होगी, छूट होगी, क्लियर है। अगले प्रश्न पर आ जाएं, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। CHSL 2019 में पूछा गया, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ या फिर मल्लिकार्जुन। और यहाँ पे अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कि निम्न में कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है, तो यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, यानी कि घृष्णेश्वर। जो घृष्णेश्वर है ये आपके महाराष्ट्र के दौलताबाद की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी इन्हें जाना गया है। घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है चूंकि। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया। वहीं
अगर अन्न की बात करें तो जैसे महाकालेश्वर है आपके, तो महाकालेश्वर आपके उज्जैन में स्थित हैं। जैसे बात करें वैद्यनाथ, तो वैद्यनाथ आपके झारखंड यानी देवघर में स्थित हैं। ठीक है, तो घृष्णेश्वर जो है, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, घूमेश्वर के नाम से जानते हैं, घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर। चलिए अगले नंबर पर आते हैं। और अगला प्रश्न प्यारे प्रतियों कि झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए झीलों का क्या बना है कि पूरा एक पेयर बना है, जैसे कोलेरू झील महाराष्ट्र, सुल्तानपुर झील हरियाणा, चिल्का झील ओडिशा, लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये पूछ रहा है। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था इसको प्यारे अभ्यर्थियों। तो जैसे हम बात करें ना कि कोलेरू झील महाराष्ट्र, तो प्यारे अभ्यर्थियों कोलेरू झील जो है महाराष्ट्र में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और कोलेरू जो है ना, ये मीठे पानी की झील है प्यारे अभ्यर्थियों। तो आप कह सकते हैं ए ऑप्शन आपका यहां पे सही माना जाएगा, यानी कोलेरू झील महाराष्ट्र में नहीं है। सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, चिल्का झील ओडिशा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, लेकिन कोलेरू झील महाराष्ट्र में नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें अगर भारत की प्रमुख झीलों की, तो जैसे लोनार झील है, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में प्यारे अभ्यर्थियों। वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील आपकी केरल में है। नंदीकुंड झील उत्तराखंड में है। चिल्का झील ओडिशा में है प्यारे अभ्यर्थियों। गोविंद सागर झील आपकी पंजाब में है प्यारे अभ्यर्थियों। सांभर और फतेह सागर, डीडवाना, ये सारी झीलें आपकी राजस्थान में स्थित हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, अनंतनाग प्लस शेषनाग और डल झील है प्लस वुलर झील है, ये सभी झीलें प्यारे अभ्यर्थियों आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाएं। निम्न में से कौन सा शहर साबरमती के तट पर बसा हुआ है? सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद। बिल्कुल सही उत्तर है अहमदाबाद, साबरमती के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद। ठीक है, यानी कि बात करें तो अहमदाबाद जो है, निम्न में कौन सा शहर साबरमती के तट पर बसा हुआ है, तो अहमदाबाद शहर है जो साबरमती के तट पर बसा हुआ है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि पश्चिम भारत के गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर माना गया है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों कांकरिया झील और हट्टी सिंह, और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जैव मंदिर है यहाँ पे, जामा मस्जिद है, साबरमती आश्रम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमुख मतलब की पर्यटक स्थल हैं जो कि अहमदाबाद में अति प्रसिद्ध है। ठीक है, साथ ही साथ इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब इंग्लैंड की मैनचेस्टर ने तरक्की कर ली, ठीक है, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में, वैसे ये आपके गुजरात का अहमदाबाद क्षेत्र है। क्लियर। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल शुद्ध उत्पाद, राष्ट्र शुद्ध उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। और आपने सुना होगा कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए, अर्थव्यवस्था के साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप है आपकी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी प्यारे अभ्यर्थियों जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जीडीपी देशों द्वारा एक विशिष्ट समयावधि में उत्पादित और बेची गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का एक मौद्रिक उपाय कहलाता है। इसे जीडीपी के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। और अर्थव्यवस्था के आकार का जो एक सही माप होता है प्यारे अभ्यर्थियों, आपका जीडीपी होता है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो जो जीडीपी होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये देशों द्वारा एक विशिष्ट समयावधि में उत्पादित और बेची गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का एक मौलिक उपाय होता है, या बात करें एक मौद्रिक उपाय होता है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, इसे जीडीपी कहते हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ। और अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? 21 मार्च, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 28 फरवरी। और आप सभी को पता है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे आपके सर सीवी रमन। ठीक है, तो सर सीवी रमन ने एक रमन प्रभाव खोजा था, यानी रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो रमन इफेक्ट की खोज की जो स्मृति है, इस स्मृति में हम भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। इस कार्य के लिए, रमन इफेक्ट को खोजने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों, सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो हमेशा इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि सर सीवी रमन को कब मिला था नोबेल, तो 1930 में मिला था नोबेल। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाओ। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज या फिर मेरठ। और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका महाराजगंज। महाराजगंज प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश का गिद्ध संरक्षण केंद्र है। यहाँ पर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में की गई थी। इस
प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो इस विकास के पर हरियाणा में एक पिंजौर एक नाम का एक शहर है, तो हरियाणा के पिंजौर शहर में एक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना हुआ है, ठीक है, हरियाणा के पिंजौर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो उस जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की थीम पर ही उत्तर प्रदेश में 2019 से शुरू कर दिया गया बनना क्या, गिद्ध संरक्षण केंद्र। तो गिद्धों का जो संरक्षण केंद्र है वो आपके उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 2019 से क्या कर दिया गया है, संचालित कर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ, अगले प्रश्न पर आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर या फिर कानपुर? और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका प्रयागराज। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो है आपका प्रयागराज। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें 59,54,391, ठीक है, 59,54,391, ठीक है, इतनी जनसंख्या निवास कर रही है आपके प्रयागराज जिले में। वहीं लखनऊ की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 45,89,838 व्यक्ति निवास करते हैं आपके लखनऊ में। वहीं कानपुर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 45,81,268 व्यक्ति निवास करते हैं आपके कानपुर में। वहीं बात करें प्यारे अभ्यर्थियों गोरखपुर की, तो गोरखपुर में आपके 44,95,895 व्यक्ति आपके गोरखपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, अगले प्रश्न पर आएंगे। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग UGC या फिर नीति आयोग? प्यारे अभ्यर्थियों किसने मतलब कि संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर है आपका, यहाँ पर बात करें तो सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि नीति आयोग। तो नीति आयोग ने प्यारे अभ्यर्थियों हाल ही में संपूर्णता अभियान की क्या किया है, संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। यहाँ पर बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो नीति आयोग ने देश भर के जितनी भी आकांक्षी जिले हैं और आकांक्षी ब्लॉक हैं उन सभी में क्या किया है कि 6 प्रमुख संकेतकों को हासिल करने के प्रयास से 30 सितंबर तक चलने वाले इस 3 माह का संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। और यहाँ प्यारे अभ्यर्थियों मतलब कि सभी इन ब्लॉक और जिलों से एक रिपोर्ट मांगी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर क्या किया जाएगा कि उन जिलों में जो आकांक्षी जिले हैं और जो आकांक्षी ब्लॉक हैं उन पर एक नवीकरण की कायाकल्प जीर्णोद्धार किया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि भारत ने रुद्रम प्रथम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? सतह से सतह तक, हवा से सतह तक, हवा से हवा तक या फिर इनमें से कोई नहीं? और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत ने, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, भारत ने जो रुद्रम प्रथम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो बात करें यह किस प्रकार की मतलब मिसाइल है प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये DRDO ने हाल ही में पहली जो है तो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम प्रथम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्यारे अभ्यर्थियों यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, इसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। बात करें तो यह वायुसेना के Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट के लिए क्या किया गया है, एकीकृत की गई है। यानी कि ऐसी मिसाइल है जो हवा से सतह पर मार करती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा आपका हवा से सतह पर मार करने के लिए। प्यारे अभ्यर्थियों भारतीय वायुसेना के साथ टाई अप किया, भारतीय मतलब कि वायुसेना को लेकर के मतलब क्या किया गया, स्पेशल डिजाइन किया गया है DRDO द्वारा, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा। प्यारे अभ्यर्थियों Sukhoi-30 MKI में क्या किया है के साथ इसको, इस रुद्रम प्रथम को एकीकृत कर दिया गया, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों ये था हमारा आज का कार्यक्रम, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय इसी कार्यक्रम को लेकर के। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद, शुभरात्रि।